अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सदा रहेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। मैं हूँ आपके साथ नायला नूर और आप ये देख रहे हो ऑन द ब्यूटीफुल चैनल लाइफ इन पाकिस्तान बाय नायला नूर। ये है जी माशाल्लाह रेप्लिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन बहरिया टाउन फेज 8, ज्यूरिस्डिक्शन इसको इस्लामाबाद लगती है। ये देखिए ब्यूटीफुल सनसेट, छोटी सी इन्होंने रेप्लिका बनाई है और प्यारी जगह है, पुरसकून जगह है। एज़ यू कैन सी कि लॉकडाउन में भी काफ़ी रश है। मेरे माइंड में नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी दिस क्राउडेड। सम पीपल आर वॉकिंग जॉगिंग, मतलब इट्स अ गुड राउंड अबाउट, बड़ा सर्कल है अपना जी। माशाल्लाह लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के करीब लेके जाते हैं, फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं जी माशाल्लाह। ये देखिए लोग इन्जॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ गपशप लगा रहे हैं। ये है जी फेज़ 8 और इसकी सबसे बड़ी जो मुझे क्वालिटी लगती है कि जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी साहिबा हैं वो जो इसका व्यू है वाकई ही बहुत हसीन है। आई एम श्योर यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं अगर कीज़ वगैरह हों। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ये देखिए जी बर्ड आई व्यू ऑफ इस्लामाबाद बहरिया टाउन। आसमान पर बहुत हसीन बादल हैं जी, जिन्होंने सनलाइट को अब्जॉर्ब किया हुआ है। दे लुक फैंटास्टिक, स्मैशिंग लग रहे हैं। चले जी हम आपको थोड़ी सी और इधर सैर कराते हैं। अगर आपको ये पसंद आए या आपको ये जगह पसंद आए तो जब आप इस्लामाबाद आते हो, रावलपिंडी आते हो, बहरिया टाउन आओ और स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये ज़रूर देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ज़रूर देखो। इट इज़ रादर नाइस। लॉकडाउन की वजह से जी यहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क्स हैं, फूड है, मील्स ऑन व्हील्स एंड इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन बिकॉज़ यू नो कि नेशनल तो नहीं इंटरनेशनल एक डिज़ास्टर है, कैटास्ट्रोफी है और ये फैला हुआ है वबा, तो इस वजह से वो फूड शूड यहाँ पे नहीं, वेंडर्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन बहरहाल इट इज़ प्रिटी क्राउडेड। ये देखिए पीछे जितनी कार्स आपको नज़र आ रही हैं, मैंने जूम इन किया हुआ है, दीज आर ऑल दीज पीपल जो लॉकडाउन में भी यहाँ हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत क्लाउडी स्काई है और बड़ी ब्रीजी शाम है। टेम्परेचर मेरे पास 26 आ रहा है। ये देखिए आई इन द स्काई लगती है, बिल्कुल आँख की शेप है कि नहीं। चले जी जूम इन करके देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फेस कैसा है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आई वुड बी मोस्ट मोस्ट ग्रेटफुल। ये देखिए ये है इस्लामाबाद जी, बहरिया टाउन कहलाता है, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। ये देखिए जी आई लाइक इट, इट्स अ नाइस स्पॉट। यहाँ पे जी काफ़ी बैठने की वो बनाई हुई है, टेराकोटा टाइप जगह बनाई है, बेंचेस बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए एक्सपीरियंस ये होता है जब भी मैं किसी पाकिस्तान की टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो मैं इसको नहीं कहूँगी, चलें कहीं बैठ के गपशप लगाने के लिए जगह बनाई जाए, कहीं खूबसूरत एक चीज़ को बना के हमें दिया जाए और हम यहाँ पर आके ये करके चले जाते हैं। और ये बिन देखिए, बिन कितनी दूर है इन बॉटल्स से, लेट मी काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 स्टेप्स अवे, जिसे उर्दू की कहावत में या उर्दू में भी कहा जाता है 10 कदम दूर। एग्जैक्टली 10 कदम दूर है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना, सो हमने नहीं करना। इट्स अबाउट टाइम वी स्टार्ट डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स जी। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान है और हमें इसको इम्प्रूव करना है, डिप्रूव नहीं करना। चलें जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, या आप देख रहे हो किस जगह पे, किस चैनल पे, लाइफ इन पाकिस्तान बाय नायला नूर। अभी मैं आपको ये देखिए जी माशाल्लाह कपल आए हुए हैं, अपना खाना लेके आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कपल अपना खाना जो है बाद में शॉपर साथ लेके जाएंगे और इधर नहीं फेंकेंगे। वी कैन ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट। कल इंशाल्लाह हमारा रमज़ान है, अरब कंट्रीज़ में आज है, कनाडा अमेरिका में भी आज है, बट इन पाकिस्तान इट विल बी द फर्स्ट रोज़ा इंशाल्लाह टुमारो। ये देखिए जी लॉट ऑफ पीपल हेयर। यहाँ का जो नाइट व्यू है वो ऑल एक्सक्लूसिव है बिकॉज बहरिया इन, आपको पता है ट्विन सिटीज़ में इट्स नोन, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जी इट्स नोन टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट्स।
तो जब ये जलती हैं तो ऐसे लगता है कि गोल्ड और डायमंड्स जो हैं ना वो उनके स्पेक्स हैं। मज़ीद ये देख लीजिए, काइंडली जहाँ भी हों जिधर भी हों, लव योर कंट्री, लुक आफ्टर योर कंट्री। ये देखिए बिन इधर और हम इधर फेंक के चले जाएंगे। चलें बहरहाल इंशाल्लाह मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल इम्प्रूव। ये माशाल्लाह देखिए किसी खुश नसीब का पूरा पैलेशियल घर है, पैलेस लगता है, घर नहीं लगता। माउंटेन टॉप पर अल्लाह ने उसको दिया है, उसे नसीब हो, और जिस रब ने उसे दिया है अल्लाह ही आमीन हम सबको अपने खजानों से नवाजे। दिस इज द ब्यूटिफुल बर्ड आई व्यू ऑफ बहरिया टाउन। ये देखिए मैं टॉप पे हूँ जी, काफी टॉप पे हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इट इज सो ब्यूटिफुल। ये आप वीडियो देख रहे हो अबाउट पाकिस्तान, अबाउट लाइफ इन पाकिस्तान अब मेरे चैनल से, और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल। और जब मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ तो काइंडली अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पे जी लाइटें नहीं नेचुरली ऑन बिकॉज टाइम नहीं है। जब यहाँ पे लाइटें ऑन होती हैं तो इस वक्त जैसे ये समंदर लग रहा है घरों का, उस वक्त ये लगता है अ सी ऑफ लाइट्स, बहुत खूबसूरत लगता है। माशाल्लाह आई कैन नॉट कीप माई आइज़ ऑफ दिस पैलेशियल हाउस। और उसके ऊपर देखिए क्या पिक्चर्स क्यू, बादल भी है फ्लफी विद सन लाइट इन इट। ये देखिए लगता है अल्लाह की खास रहमत है इनके ऊपर, बादल भी सीधा उनके ऊपर है। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जी, पहाड़ी टाइप है, अब उसको कर रहे हैं प्लेन। आपको पता है हमें भी बड़ा क्रेज़ है। ये देखिए जी ये इधर कुछ बना रहे हैं, आई हैव नो आइडिया क्या बन रहा है, लेकिन सारी पहाड़ी को ख़राब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं नेचुरल लैंडस्केप जी। थिएटर बन रहा है, एमपी थिएटर। ये देखिए ब्यूटीफुल, और इसका मैं आपको आहिस्ता 360 डिग्री देती हूँ। ये देखिए सो ब्यूटीफुल, और ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, रादर ब्यूटीफुल नहीं?